आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दर दहशत की राजनीति कर रही है। तो सबसे ज्यादा प्रताड़ित अभी हाल सुर्खी में लोग हैं और बिल्कुल स्थिति बन रही है, सुर्खी में बहुत विरोध है वर्तमान विधायक का। नमस्कार, मैं हूं ब्रह्मदत्त दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ है। आज मध्य प्रदेश के कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सागर में है और खुरई के साथ सुर्खी भ्रमण करेंगे। कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह है, वजह यह है कि 15 महीने की सरकार के बाद जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी ने तख्ता पलट किया था उसको लेकर अब कांग्रेस में उत्साह है। हालांकि कानून व्यवस्था एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे के सहारे दिग्विजय सिंह खुरई और सुर्खी की नब्ज टटोल रहे हैं। हालांकि विकास के मुद्दे से परे कानून व्यवस्था में किस पर जोर जुल्म हो रहे इन तमाम चीजों की पड़ताल करेंगे आज राजा दिग्विजय सिंह। हमारे साथ कांग्रेस के उत्साही लोग हैं, कुछ नेता हैं, बात करेंगे कि कैसा उत्साह है और आने वाला 2023 का जो विधानसभा चुनाव है उसकी पटकथा सागर से शुरू हो गई। भाई साहब, पुराने नेता हैं आप कांग्रेस में, एक बात बिल्कुल है, कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि चार दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जो जोश आज है ये 5 साल क्यों नहीं? जोश तो रहता है मगर चूंकि लोग छोटे कांग्रेस के साथ जुड़े में दबे हुए रहते हैं, जो सत्ता से है उन्हें दबा के रखते हैं, जो जरा सा भी उठता है तो उनको हंस हो रहे बेचारे, तो उनके भय के कारण दूसरे शांत हो जाते। ऐसा नहीं है, जैसे धरती में पानी चलता है ना झरने में, ऐसे ऐसे कांग्रेस भी चलती रहती है। करंट है अभी? अरे करंट नहीं, हैवी करंट। हाँ, इंतजार है वक्त का, वक्त आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सागर में अभी महापौर चुनाव हार गए, ताकत बहुत लगाई, तमाम चीजें हार जाते हैं लेकिन फिर खड़ी होती कांग्रेस। बहुत सालों से मध्य प्रदेश में सरकार नहीं बना पा रही, 15 महीने में बनाई थी लेकिन गिर गई। अब क्या 2023 में रणनीति? 2023 की रणनीति जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस में उत्साह है और 2023 में आप मान के चलना कि कांग्रेस की सरकार आने से कोई नहीं रोकता। जहां तक आप उत्साह की बात कर रहे हैं, हमारे उम्मीदवार से आपने बात की, कांग्रेस में बरहमेश उत्साह रहता है, पर जो छोटे तबके के लोग हैं जो अपना मजदूरी से गुजर बसर करते हैं वे दबके रहते हैं, वे उभर कर आकर सामने बात नहीं कर पाते, वे करते हैं तो उनको प्रताड़ित कर दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। कुछ चेहरे आप जब से पत्रकारिता कर रहे हैं आपने देखे होंगे कि वो चेहरे कभी किसी से नहीं डरते। आप चाहे लट्ठ लेके आ जाओ, चाहे आप बंदूक लेके आ जाओ, चाहे आप कानून से दबाने का प्रयास करो, उनमें से राधा कृष्णा सिंह आपके सामने हैं। यही मेरी आपसे निवेदन। रैली जी में कांग्रेस है ही नहीं कहते गोपाल भार्गव? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर रैली में कांग्रेस नहीं होती तो हर बार गोपाल भार्गव को विधानसभा चुनाव के समय नाटक नौटंकी ना करना पड़ता, रोना गड़गड़ाना पड़ता, करोड़ों रुपये ना बहाने पड़ते। रैली की कांग्रेस बहुत जमीन से जुड़ी हुई और गहराई तक कांग्रेस रैली में है और हमेशा रहेगी। रही पराजय की बात, तो कुछ टिकट में गड़बड़ी हो जाती है या काफ़ी लेट घोषित किया जाता है, इससे जो माहौल विधानसभा चुनाव के 2-4 महीने पहले बन जाना चाहिए वो उसमें थोड़ा डिले हो जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि तुमसे पहले भी कोई शख्स यहाँ तक नसी था जिसे अपने खुदा होने का उतना ही यकीन था। सियासत के अपने फलसफे हैं, कभी कांग्रेस की सरकार रहती थी तो ये देश उनका रहता था, आज नरेंद्र दामोदर दास मोदी की हुक्मरानी चलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में अब 2023 के विधानसभा चुनाव है और यहीं से राजा दिग्विजय सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री है और मध्य प्रदेश की बल्कि देश की राजनीति के चाणक्य कहलाते हैं वो आज सागर आए हैं। उत्साह बहुत है, रैली फिर कहेंगे कांग्रेस जो है कमजोर है रैली। देखिए, आज जो हमारे राजा साहब राज्यसभा सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी सागर आ रहे हैं उसके पीछे एक मुख्य वजह जो है, आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो दर दहशत की राजनीति कर रही है, छोटे कार्यकर्ताओं को दबाने का प्रयास कर रही है, झूठे केसों में फंसा रही है। इसी तरीके से रैली में भी यही माहौल है, फिर भी रैली में हम कमजोर बिल्कुल नहीं है और इस बार हम दावे के साथ कहते हैं कि रैली में 2023 के
समय गोपाल भार्गव को हम हराकर ही बताएंगे। ये आज आज आप आपके मंच से सागर एक्सप्रेस न्यूज के मंच से हम आज ये आपसे वादा कर रहे हैं और हमारी रोहिली क्षेत्र की जनता से ये वादा कर रहे हैं कि 2023 में हमारी रोहिली क्षेत्र की जनता गोपाल भार्गव को निश्चित रूप से हराएगी। सुर्खी हरा पाएंगे? बिल्कुल, सुर्खी में तो बहुत ही ज्यादा लोग परेशान हैं, इसलिए सभी लोग इकट्ठे हैं जो विपक्ष के हैं। हाँ बिल्कुल, उनके आने का कारण यही है, सुर्खी और मैन कोरई वो देख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा प्रताड़े तभी हाल सुर्खी में लोग हैं और बिल्कुल स्थिति बन रही है, सुर्खी में बहुत विरोध है वर्तमान विधायक का। और जनपद अध्यक्ष थी, मुख्यमंत्री थे? जी मैं जनपद अध्यक्ष थी जब वो मुख्यमंत्री थे, और कैसा चलता था उस समय अपने प्रदेश का शासन वो मैंने देखा है, और वो लगातार अब देखने में नहीं मिल रहा है, लोग बहुत परेशान हैं और अब चाह रहे हैं बदलना, और बदला था पिछले पंचवर्षीय चुनाव में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी, लेकिन वो ठापटक करके और उन्होंने फिर से अपनी सरकार बना ली, लेकिन उसका बदला अब लेगी जनता, क्योंकि वो जो चुनाव हुए थे अपने, तो उसमें उन लोगों को यही लग रहा था कि सरकार उन्हीं की है, इसलिए उनको चुनाव जिता दिया, लेकिन अभी बदला पूरा लेगी जनता। मैंने सियासत में एक चीज बिल्कुल साफ साफ है कि बदले की राजनीति नहीं करना चाहिए। कानून व्यवस्था को लेकर बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कांग्रेस बना रही है और बनना भी चाहिए, क्योंकि लोगों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं और इसी की पड़ताल करने के लिए आज दिग्विजय सिंह आए। तो कानून व्यवस्था को लेके हम लोग जबलपुर से आए हुए हैं, लगभग सैकड़ों एडवोकेट हैं माननीय शशांक शेखर जी के नेतृत्व में, अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में आए हुए हैं, और यहाँ पर जो कानून व्यवस्था है वो जंगल राज बना दिया है यहाँ के मंत्रियों ने। यहाँ पर जो गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए, वो वंचित हो रहे हैं। हम लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे और इनका दम और अपमान को चूर करेंगे। ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है, पाखंडियों की सरकार है, जनता को सचेत होना चाहिए, इनके प्रपंच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब ये सत्ता में आते हैं तो यह लड़वाने फूट डाल और राज करने का काम करते हैं। तो इसलिए हम लोग एडवोकेट आए हुए हैं, इनको आईना दिखाएंगे और बताएंगे कि न्याय व्यवस्था में आप बड़े नहीं हैं, संविधान बड़ा है। मध्य प्रदेश में देख रहे हैं, जबलपुर में भी लगता है आपको ऐसा हो रहा है? जबलपुर में हम लोग लगातार लड़ते हैं अगर ऐसा कुछ होता है, लेकिन सागर, मध्य प्रदेश में सागर ही आया है, मतलब जहां पर मंत्रियों की मनमानी चल रही है, संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, इसलिए हम लोग सैकड़ों एडवोकेट्स आए हुए हैं और इस पर हम लोग विरोध करेंगे और संविधानिक ढंग से उनको सबक सिखाएंगे। कोई जनहित याचिका भी लगाएंगे? हाँ, जनहित याचिका PIL वगैरह लगाएंगे और जनता के बीच में भी जाएंगे और जो पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाने का हम लोग काम करेंगे। कितने लोगों को चिन्हित किया है सागर में आप घूम रहे हैं? यहाँ बहुत से लोग हैं जिनको मतलब प्रताड़ित किया है, उनके मंडल अध्यक्ष प्रताड़ित करते हैं, मंत्री प्रताड़ित करते हैं, उनके कार्यकर्ता जो दलाल हैं वो प्रताड़ित करते हैं। ऐसे लोगों को लगाम लगाने और सबक सिखाने के लिए हम लोग आए हैं और आने वाले समय में उनको बताएंगे कि संविधानिक व्यवस्था क्या होती है। संविधान ही सबसे ऊपर होता है, आप मंत्री बन जाना सबसे ऊपर नहीं होता। तो हम फिर कहेंगे सत्ता का खेल चलता है, पार्टियां आती हैं जाती हैं, तमाम चीजें बदलती रहती हैं, कुर्सी किसी की नहीं है, कुर्सी आती जाती रहती है, लेकिन सियासत में किसी ने कहा है कि दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश है कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो, तो लाजमी है अगर आप ऐसा करेंगे तो आने वाली सरकार भी ऐसा करेगी। राजनीति में ये गंध नहीं आना चाहिए, भाईचारे की राजनीति करना चाहिए, लेकिन अब कानून व्यवस्था को ताक पर रखकर, तमाम नियमों को ताक पर रखकर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। एक मुद्दा मध्य प्रदेश की धरती से निकल रहा है कि जोर जुल्म की राजनीति यहाँ पनप रही है, जब क्या कहेंगे जोर जुल्म की राजनीति? निश्चित रूप से सागर जिले में जो राजनीति चल रही है ये पूरी हिटलर शाही चल रही है। हम लोग जबलपुर से आए हुए हैं, शशांक शेखर जी, अशोक गुप्ता जी के नेतृत्व में हम लोग अधिवक्तागण, और यहाँ पर कमलनाथ, माननीय कमलनाथ जी ने कमेटी बनाई हुई थी, हम लोगों ने हर एक बिंदु पर देखा है। यहाँ जिस तरह से हिटलर शाही मध्य प्रदेश में कहीं नहीं दिख रही है। यहाँ पर अगर कोई भारत जोड़ो यात्रा में जाता है उसको नोटिस दे करके, बिना नोटिस दिए, बिना सुनवाई का अवसर दिए उसके मकान तोड़ दिए जाते हैं, फर्जी मामले दर्ज किए जा रहे हैं, 307 323 ऐसे मामले किए जा रहे हैं, और कुल मिलाकर उनका एक ही उद्देश्य है कि यहां पर कांग्रेस को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। जबकि कांग्रेस भी जब थी सरकार में कभी उन्होंने ये नहीं चाहा कि विपक्ष खत्म हो जाए, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वो ये चाहते हैं कि विपक्ष पूरी तरह खत्म हो जाए, जनता सिर्फ खाना खाए, रोटी खाए, बाकी किसी सिस्टम में ना रहे।
उनका सिर्फ एक उद्देश्य है, हमें वोट दे और हम उनको फ्री में अनाज बांट के उनको जनता को खुश रखें। ऐसा कतई नहीं होगा। हम लोग पूरी ताकत से न केवल हाई कोर्ट में, हम लोग ने जिलेवार टीम बनाई हुई है, हमारी लीगल सेल कांग्रेस लीगल सेल में हर डिस्ट्रिक्ट में चार चार पांच पांच एडवोकेट यहां पर शशांक शेखर जी ने नियुक्त कर दिए हैं, जो पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। कहीं अगर अन्याय होता है हम रिट भी PIL में भी जाएंगे, अगर आवश्यकता पड़ी तो कंप्लेंट केस में भी जाएंगे, लेकिन हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा अधिवक्ता समुदाय, मैं आपसे बता रहा हूँ, पूरा अधिवक्ता समुदाय बड़ा आक्रोशित है, क्योंकि हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम लोग दर्द पता है, जब अन्याय कहीं होता है एक अधिवक्ता से ज्यादा कोई नहीं समझता। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा, छोटी लोग इतने दहशत में है कि लोग निकलना, मतलब किसी नेता के विषय में बोलना भी नहीं चाहते, सोशल मीडिया में नहीं बोलना चाहते। बोलते भैया अगर हम लोग बोलेंगे भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के लाइक करेंगे या शेयर करेंगे तो हम लोगों को एक नोटिस देकर के जेल में भेज दिया जाएगा। ये व्यवस्था अगर 5 साल हो तो लोगों को विश्वास रहेगा। देखिए विश्वास पूरा था, भारतीय जनता पार्टी की पुरानी सरकार से पूरा विश्वास खत्म हो गया था। माननीय कमलनाथ जी की सरकार, लोगों ने विश्वास किया था, हमारी सरकार भी आए, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से सरकार गिरा दी गई। आप यहाँ पर लोकल, आप मैं पत्रकार समुदाय से ही बोलता हूँ, माननीय कमलनाथ जी का 1 साल का जो समय था उसकी तुलना आप शिवराज सिंह जी की पुराने 15 साल की करें और अभी की आप तुलना कर लीजिए। हम कमलनाथ जी ने हर व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए प्रयास किया। आपने देखा कि उन्होंने जो अतिक्रमण जो बाहुबलियों ने की थे, उनकी भूमि उनसे छुड़वाकर सरकारी भूमि उनको अलग करवा दिया। तो हम लोग तो हमेशा सक्रिय रहते हैं। सवाल ये है, अब भारत जोड़ो यात्रा में इतने लोग जुड़ रहे हैं, लाखों लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन माफ कीजिए मीडिया इस चीज को नहीं दिखा पा रही है। तो अब ये ना आप, हम लोग तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई तंत्र ऐसा एक लगा हुआ पीछे से कि जो जो सत्यता है, वास्तविकता है, उसको उजागर नहीं होने दे रही है। मीडिया अपना काम खुद ही नहीं कर पा रही है। मीडिया अगर सच सही काम करे और सही काम करे तो आज देश की जनता को देखना नहीं पड़ेगा। और ये जो भय की और ये भय और डर की राजनीति चल रही है और ये खत्म हो जाएगी। और कांग्रेस का कार्यकर्ता किसी से भी नहीं डरता, चाहे वो कोई भी हो, और कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता मजबूत है और रहेगा। ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है धोखे से आई गवर्नमेंट है, और जिस तरह से ये धोखे से आई उसी तरह से ये अपना पूरा कार्यकाल चलाना चाहती है, और सत्ता में बने रहने के लिए अनेकों प्रकार के अत्याचार कर रही है। कानून व्यवस्था जिसने अपने हाथ में इस तरह से ले ली है कि अगर कोई विपक्ष में है या किसी दूसरी पार्टी में है, कांग्रेस में है, अगर वो कांग्रेस का फेवर कर रहा है, उनके विरोध कर रहा है, उनकी गलत नीतियों का विरोध कर रहा है, तो उसके आज यहाँ पर सागर में आप देख ही रहे कि उनका घर गिरवा दिया जा रहा है, किसी को जेल में बंद करा दिया जा रहा है। कहीं कुछ आने वाले समय में अगर ये बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बनाती है तो इसका सारा खामियाजा मतलब जनता को भोगना है। और ये जो अराजकता चल रही है इसका मुंहतोड़ जवाब जनता को देना, और हम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस कार्यकर्ता है, संगठन है, ये पूरी मजबूती से बीजेपी का विरोध करेगा, चाहे ये हमको जेल में डाल दें, चाहे कुछ भी करें, लेकिन हम इनका विरोध करेंगे। कारण उसका कि इनके द्वारा जो भी नीतियां बनाई जा रही हैं ये स्वयं के लिए बनाई जा रही हैं, स्वयं की सत्ता पाने के लिए बनाई जा रही हैं। तो फिर हम कहेंगे कि कांग्रेस अपने अंदाज में आई हो, कांग्रेस ने ये कहा है, कुछ लोगों ने जबलपुर से भी आए हैं, वकील है, कि यहाँ जोर जुल्म की राजनीति हो रही, लोगों को दबाने का काम कर रहे किया जा रहा है, डर और दहशत की राजनीति हो रही है। एक किसी ने पुराना कहा है कि जुल्म की कोई परवाज नहीं होती और नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती, जुल्म करने वाले लोगों समझ जाओ, ईश्वर की लाठी की आवाज़ नहीं होती। सियासत में बहुत सारे मूल मंत्र हैं, अलग अलग हमने सियासतें देखी हैं, अलग अलग राजनीति देखी है, लेकिन शायद अब भाईचारे की राजनीति खत्म हो रही है। ब्रह्मरथ दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज़, सागर।